जय माता दी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि वालों के ऊपर शनि का परिवर्तन क्या प्रभाव लेकर आएगा और मकर राशि वालों के जीवन में शनि की इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, मकर राशि शनि की अपनी राशि है। शनि दो राशियों का स्वामी होता है, पहली मकर राशि और दूसरी कुंभ राशि। जब भी शनि पूरी तरह से अपनी राशि में जाता है तो वो आपको बहुत ही अच्छे फल देता है और शनि अब आपकी राशि में जाने वाला है जो आपको बहुत ही अच्छे फल देने वाला है। मकर राशि वालों के व्यक्तित्व पर, मकर राशि वालों के व्यवहार पर, मकर राशि वालों की सोच पर, मकर राशि वालों के परिवार पर, मकर राशि वालों के फाइनेंशियल कंडीशन पर, मकर राशि वालों की दिनचर्या पर, मकर राशि वालों के खान पान पर, मकर राशि वालों की वाणी का आधिपत्य होता है, क्योंकि शनि आपकी राशि का स्वामी होकर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच स्वामी होता है। उसके अलावा कुंभ राशि का स्वामी होकर शनि आपके फैमिली, फाइनेंस, दिनचर्या, वाणी ऐसी चीजों को दूर करता है। तो शनि की इम्पोर्टेंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा है। शनि जितना मकर राशि वालों के लिए फेयर होगा, मकर राशि वालों का जीवन उतना ही सुखमय होगा। दोस्तों, शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। शनि एक बहुत ही स्लो ग्रह है और मकर राशि के लोग बहुत ही धैर्यवान होते हैं, क्योंकि उसकी राशि का स्वामी शनि एक धीरता का ग्रह है। यही कारण है कि मकर राशि वालों की पर्सनैलिटी में, मकर राशि वालों के व्यक्तित्व में एक सीरियसनेस पाई जाती है, एक धैर्य पाया जाता है। यदि शनि की बात की जाए तो शनि अभी आपके 12वें घर में विराजमान है। शनि जब 12वें घर में जाता है तो शनि की 7.5 चलती है। हालांकि मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 के 3 फेज होते हैं। पहला और तीसरा फेज बहुत ही अच्छा जाता है और दूसरा फेज बहुत ही खराब होता है। तो पहला फेज शनि की 7.5 का अभी आप पर चल रहा है। शनि धनु राशि में विराजमान है, लेकिन यहाँ पर शनि की पोजीशन थोड़ी सी खराब है। उसके अलावा शनि 12वें घर में बैठा है और जब भी मकर राशि का स्वामी अपने से 12वें घर में बैठता है और वो जातक के कॉन्फिडेंस में कमी लाता है। जातक अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, उसके अंदर ऊर्जा स्तर की कमी रहती है। जब भी शनि 12वें घर में बैठता है तो कुछ न कुछ इमोशनल रूप से हमें टेंशन देता है। शनि 12वें घर में बैठा है तो हो सकता है कि आपके खर्चे वगैरह ज्यादा हों और चिंता की बात ये है कि शनि के ऊपर राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव भी है, जो आपको इरिटेट कर रहा है, जो आपकी सफलता के मार्ग में बाधाएं डाल रहा है। राहु केतु का प्रभाव होना तो आपके लिए थोड़ी सी चुनौती पैदा कर रहा है। तो मकर राशि वालों, यहां पर दो स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज क्या है कि 24 जनवरी 2020 को शनि अपनी राशि को परिवर्तित करेगा और आने वाले 5 सालों तक शनि आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो पहले शनि 2.5 साल मकर राशि में रहेगा और उसके बाद 2.5 साल कुंभ राशि में रहेगा। दोनों ही पोजीशन शनि की मकर राशि वालों के लिए अच्छी कही जा सकती है। शनि मकर राशि में विराजमान रहेगा जुलाई 2022 में शनि अपनी राशि को परिवर्तन करेगा और वो चला जाएगा कुंभ राशि में, जहां पर वो मार्च 2025 तक रहेगा। और मार्च 2025 की पोजीशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होगी, क्योंकि आपके जीवन का सबसे अच्छा समय आरंभ होने जा रहा है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन आपकी मकर राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। शनि आपको तनाव दे रहा है, शनि आपके लिए सफलता नहीं ला पा रहा है, लेकिन जैसे ही शनि मकर राशि में जाएगा आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। शनि आपकी राशि में बैठकर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। वैसे भी मकर राशि वालों को लोगों की बहुत ज्यादा परवाह नहीं होती है, वे खुद पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर भी आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। शनि आपकी राशि में आकर आपको अच्छा ऊर्जा स्तर देगा, आप और अधिक एक्टिव होकर काम करेंगे। शनि आपको करियर संबंधित मामलों में सफलताएं देगा। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो शनि की कृपा से उनके लिए नौकरी के योग बनना शुरू हो जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनकी प्रमोशन होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में अच्छे लाभ होने की उम्मीद शनि बनाएगा। जो लोग नौकरी परिवर्तित करना चाहते हैं तो शनि की कृपा से उनकी नौकरी में परिवर्तन होगा और उन्हें अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब मिलेगी। तो ऐसी संभावनाएं शनिदेव बनाने जा रहे हैं। शनि मकर राशि पर आपके लिए बहुत सारे शुभ कार्य करने जा रहा है। शनि आपके परिवार का मालिक है और आपकी राशि में आ रहा है, तो पारिवारिक मामलों में शनिदेव की कृपा से आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। परिवार में किसी की नौकरी लग सकती है, किसी की सैलरी बढ़ सकती है, परिवार में कोई मकान खरीद सकता है, परिवार का फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा हो सकता है। आने वाले समय में आपकी दिनचर्या भी बहुत ही अच्छी होगी। अच्छे कार्यों के प्रति आपका मन जागृत होगा, अन्य चीजों को सीखने की प्रेरणा आपके मन में जागेगी और आप नई नई चीजों को सीखने के लिए और अधिक प्रयास करेंगे। खास करके वो लोग जो टेक्निकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो लोग कहीं न कहीं लोगों की सेवा करते हैं, उसको शनि की कृपा से बहुत सारे लाभ की स्थितियां मिलेंगी। जो आपने पहले से मेहनत कर रखी है उसका फल भी शनिदेव आपको दे
देने जा रहे हैं, तो शनि की कृपा से इतने सारे लाभ की स्थितियां आपके लिए बनने जा रही हैं। अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते थे, आपका व्यापार आरंभ नहीं हो पा रहा था, तो अब आपका व्यापार आरंभ होगा। शनि के बारे में ज्योतिष के अंदर एक धारणा है कि शनि जिस भाव में बैठ जाता है उसकी ताकत को बढ़ा देता है, और शनि जिस घर को देखता है वहां से संबंधित नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब मकर राशि वालों की बात की जाती है और शनि मकर राशि का स्वामी है और कोई भी स्वामी अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो शनि की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होगी, और तृतीय भाव हमारे साहस का भाव होता है, हमारे एफर्ट्स का भाव होता है। तो शनि की कृपा से आपके साहस में बढ़ोतरी होगी, आप और अधिक शक्ति के साथ और अधिक मेहनत के साथ कार्य करेंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और ये दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर साबित होगी, और बीच में गुरु भी शनि के साथ आ जाएगा। और यदि आप अनमैरिड हैं, अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि शनिदेव की कृपा से आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां फेस कर रहे हैं, तो आप ये उम्मीद करें कि आपकी परेशानियां काफी हद तक कम होने जा रही हैं। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ने जा रही है, और जहां पर शनि बैठता है वहां से दशम भाव को देखता है, और वहां पर शनि की उच्च दृष्टि पड़ने वाली है। शनि की उच्च दृष्टि आपके करियर संबंधित मामलों में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी, क्योंकि दशम भाव ज्योतिष के अंदर करियर का भाव होता है। ये आपके करियर में नई नई चीजें लेकर आने वाला है, प्रमोशन होना, सैलरी का बढ़ना, नई नौकरी लगना, तो इस तरह के कार्य आपके साथ होने की उम्मीद दिखाई देगी। पिताजी का सहयोग मिलेगा। वैसे तो मकर राशि वालों के संबंध पिताजी के साथ थोड़े खराब होते हैं, क्योंकि शनि पिता का कारक होता है और सूर्य और शनि दोनों शत्रु होते हैं, और दोनों के संबंध खराब होते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर शनि की कृपा से लाभ मिलेगा। यदि आपका सरकार से संबंधित कोई काम पेंडिंग चल रहा था, तो वहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें आपके लिए बेहतर होने लगेंगी। तो शनि की कृपा आपको बहुत सारी चीजों में मिलने वाली है। और इसके बाद शनि कुंभ राशि में जाएगा, और कुंभ राशि में शनि का जाना एक अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है। शनि कुंभ राशि में जाकर आपको अच्छी सफलता देगा, आपकी किस्मत चमकाएगा, आपके पारिवारिक मामलों में शनि की कृपा आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो दोस्तों, जाना आपने शनि की कृपा से कितने सारे फायदे आपको होने वाले हैं, शनि की मजबूत स्थिति आपको कितने सारे लाभ दे सकती है आने वाले समय में। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन में शनि कमजोर स्थिति में है या नहीं। यदि आपके परिवार के लोगों के साथ अनबन रहती है, तो शनि कहीं न कहीं आपके लिए कमजोर होगा। यदि आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब रहती है, तो शनि आपके लिए कमजोर होगा। यदि आपकी वाणी सही नहीं है, तो आपका शनि कमजोर होगा। शनि आपकी राशि का स्वामी है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और जब भी डिसीजन लेने का टाइम आता है तो अपने आप को कंफ्यूज पाते हैं, तो शनि आपके लिए कमजोर होगा। यदि आपकी सेहत अक्सर खराब रहती है, तो शनि आपका कमजोर होगा। यदि आपके अक्सर जोड़ों में दर्द रहता है, तो शनि आपका कमजोर होगा। तो ऐसे में आपको शनि को मजबूत बनाने के उपाय करने चाहिए। शनि आपके लिए जितना मजबूत होगा, तो आप जीवन में उतने ज्यादा सफल होंगे। तो इसके लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, आप शनि के मंत्रों का जाप करें। ओम शनि शनिचराय नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें, गरीबों को भोजन कराएं, किसी का मन न दुखाएं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप शनि को मजबूत बना सकते हैं। यदि शनि आपकी कुंडली में बेहतर पोजीशन पर है, तो आप नीलम पहन सकते हैं, और नीलम पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श अवश्य ले लें। और शनि की साढ़े साथी मकर राशि वालों के लिए तब शुरू होती है जब शनि धनु राशि में जाता है, और मकर राशि में शनि की साढ़े साथी का दूसरा फेज चलेगा, और जब शनि कुंभ राशि में जाएगा तो शनि की साढ़े साथी का तीसरा फेज होगा, और मार्च 2025 में आपके लिए शनि की साढ़े साथी समाप्त होगी। और आने वाले 5 साल आपकी शनि की कृपा से बहुत ही अच्छे जाएंगे। और जब शनि चतुर्थ भाव में होता है या अष्टम भाव में होता है, तो शनि की ढैया होती है, लेकिन आपकी ढैया काफी सालों तक नहीं आने वाली। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।